पानी की टंकी का बेस का स्टील रिइंफोर्समेंट सब ठीक है कन्हैया जी? हाँ भाई, कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। तो कैसे है यहाँ पे किनारे? आप ये छज्जा दे रहे हैं, ये 2 फुट का? 2 फुट है। चलने फिरने के टंकी का, टंकी की दीवार तो यहाँ तक रहेगी ना, यहाँ तक ये ऊपर से सीढ़ी बनाएंगे, लोहे की सीढ़ी बनेगी इसी पर। अच्छा ठीक ठीक ठीक। और इधर 1.5 फीट का दे रहे हैं ताकि इधर काम करने के लिए सीधा हो जाए, 1.5 फीट। ठीक ठीक। हाँ भाई, एकदम सीधा सीधा रहेगा तो दिक्कत है ना, सीधा सीधा रहेगा। आज ढलाई करें कल करेंगे ढलाई? अच्छा, इधर का ये हाँ बेंड हो गया, आउटर कल का कंप्लीट है। ईंटें भी आ गए आज थोड़े से काम लायक। बाहर प्लास्टर काम चल रहा है कि नहीं दिखते नहीं, सर सर कोने में घुस के कर रहे हैं ना। इधर आउटर की दीवार बाहर की हो जाएगी, प्लास्टर के लिए रेडी हो जाएगी उधर। ठीक है, पूरा 20,000 लीटर का पानी आएगा इसके ऊपर, प्लस जो भी आपका RCC है उसका वजन। चलिए नीचे कन्हैया जी, हो गया है का सब कुछ? इधर जो प्रॉब्लम था सॉर्ट आउट हो गया? हो गया। इधर जो इनके आए हैं, इधर का ये हो गया ना बेंड, तो आज ही लगा देंगे। आज ही भरे हैं क्या अभी सब? ओ, तो कल खोलेंगे फिर, कल ईंटा बने सुबह इसको कंप्लीट कर देंगे, जो भी लेवल है कंप्लीट कर देंगे। आउटर ये भी हटवा दीजिए आप, टाइम हो गया होगा तो ये जैसे हटाएंगे इसको ही पैक कर देंगे। आउटर इधर बाहर से ही पाइप बांधना चालू कर देंगे। ठीक ठीक। बस ये हम लोग ने किस लिए मंगाया है? ये सामने के लिए ना, सामने का प्लस साइड लिए तो है, चल रहा है साइड का, चल ही रहा है। दरवाजा फिटिंग हो रहा है? हाँ भैया, सर पे ना गिरे है, तुम लोग संभालो भाई साहब। अभी आएगा वो, बुला लेते हैं। तुम कब आए? बताना चाहिए था ना, फोन कर दिया होता ना, फालतू सोचे तुम अभी तक आए नहीं हो। कोई बात, उसको बुला लीजिए, फॉल सीलिंग वाले को। ये आ गया है, नीचे जैसा है वैसे ऊपर काटना है ना, नीचे जैसा है वैसे ऊपर काटना है, एकदम वैसे। बिजली का सामान देखो यार, ये हमारा ये दरवाजा खराब ना हो। काम नहीं जाता तो कहाँ जाते हैं आप? अभी तो तुम थे ना, इसीलिए हम उसको बुला लिए, पता चला तुम चले गए यहाँ से। मारो मारो, वो लकड़ी रखी फंसी हुई ना पहले के बीच में, थोड़ा सा वो बड़ा ही है तो उसमें। क्या जी भाई, धूल मिट्टी साफ कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं आप? बक्सा जाम के दाओ।
बक्सा है भाई, हम नीचे जा रहे हैं कन्हैया जी। कन्हैया यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर प्लास्टर का काम हो रहा है और अच्छी खासी स्पीड से हो रहा है। कल ये कमरे का हो रहा था, आज कमरा ये पूरा फिनिश हो गया। कल इसमें सारे लोग घुसे हुए थे, ये आज पूरा हो गया, फिनिश हो गया, बढ़िया सा एकदम फर्स्ट क्लास। और एकदम बढ़िया सा दरवाज़ा भी बन गया छोटे से। यहाँ बाहर के लॉबी का प्लास्टर शुरू हो गया, ये कमरे का भी कंप्लीट हो गया, लॉबी के प्लास्टर चल रहा है, पूरी टीम लगी हुई है आज। अभी आगे नहीं जाएंगे, अभी आगे जाना रास्ता बंद है पूरा। कमरे भी रूम भी फिनिश हो गया है, खाली ओपन का हिस्सा बचा रहेगा, लिफ्ट का हिस्सा एक साथ करेंगे। ये रूम्स जो है 106 और 107 है, ये कंप्लीट हो गया पूरा 106 और 107। इधर का डिज़ाइन आप कुछ देख रहे थे ना, वो अपना देख के हम लोग बाद में समझ लेंगे उसको। आज ऊपर फॉल सीलिंग वाला भी आने वाला है, फॉल सीलिंग वाला भी आने वाला है। दरोगा जी बैठे हुए हैं, बढ़िया। और क्या हाल चाल है सर, ठीक ठाक हैं? ये दरवाज़ा आज लगना है, इधर आज लगाएं कल लगाएं कन्हैया जी? कल ये हो गया, लॉक आपका हो गया जैसे चाहते थे वैसा हो गया, ठीक है। हालांकि ये लगना था नीचे बेसमेंट में, लेकिन लाएंगे उसके लिए दूसरा लाएंगे। और ये वाला दरवाज़ा टॉयलेट का, ये इधर लग जाएगा रिसेप्शन का टॉयलेट। ओके, तो सामान आया था काफ़ी, पाइप वगैरह रखा हुआ इधर। इधर दो बाथरूम के दरवाजे को अभी स्टोर की तरह यूज़ कर रहे हैं, प्लस एक सर्वर रूम है वो भी स्टोर की तरह यूज़ कर रहे हैं। इधर टॉयलेट का दरवाज़ा लग गया ये आज, ठीक है, लिफ्ट के सामने वाला बेसमेंट में ये टॉयलेट का दरवाज़ा लग गया है। जाम हो जाएगा तो बाकी इसका दीवार खड़ी कर दी जाएगी, अभी खाली थोड़ी सी खड़ी है। बालू पूरा काम चल गया बरसात में, एक अच्छी बात थी कि ट्रक से आ गया था पूरा। दरवाजे भी कुछ छांटा गया है, और पीछे का दरवाज़ा और ये दरवाज़ा जो कि अब ऊपर लग जा रहा है, तो इनको अभी छोड़ देंगे एंड वी विल डिसाइड लेटर, क्योंकि यहाँ बेसमेंट में आखिरी में काम होना है कि इन दरवाज़ों का कौन सा दरवाज़ा कैसे लगाया जाए। होपफुली हो सकता है मैं फिर से जाऊँ गुजरात और फिर वहाँ से अच्छे अच्छे दो दरवाजे यहाँ के लिए बड़े बड़े लेके आऊँ। लेट्स होप कुछ फर्नीचर वगैरह के लाना पड़ेगा। अब दरवाजे प्लास्टर से ख़राब हो जाए उसके लिए पहले ये दफ्ती चिपकवा दूँगा उनमें। कुछ और भी दरवाजे हैं बट ये ट्रांसपोर्ट में काफ़ी इनको नुकसान हो गया है तो लगने योग्य नहीं है। और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ यहाँ पर शिफ्टिंग की वजह से, ये शिफ्ट हो कि काफ़ी सामान का नुकसान मेरा हुआ है यहाँ पे। एनीवे देखते हैं, कुछ ना कुछ उसका भी हो ही जाएगा। सो फॉर द टाइम बीइंग साइनिंग आउट अभी के लिए। आज उमस बहुत ज़्यादा है, पूरा शरीर मेरा पसीने से भीगा हुआ है, खाली चल फिर ले रहे हैं यहाँ पे तो भी उमस हो रही है। पंखा भी बहुत इफेक्टिव नहीं है, बार बार लोग आके पंखे के नीचे बैठ जा रहे हैं। चलिए साइनिंग आउट।